Hey guys, welcome back to my YouTube channel Baba Pancho. और आज हमारी सवारी निकली है बोरीवली टू नवी मुंबई वाशी. हम लोग जा रहे हैं आइकिया. आइकिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट होम फर्निशिंग एंड होम डेकोर मॉल इन द वर्ल्ड. तो हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि ये कब आएगा हमारे मुंबई में. मुंबई में तो बहुत पहले आ चुका था बट उसका ओपनिंग नहीं हुआ था ड्यू टू ऑल दिस पैंडेमिक सिचुएशन. बट कल इसका फाइनली ओपनिंग हुआ है और आज के व्लॉग में हम लोग आपको दिखाएंगे आइकिया का पूरा टूर. वी आर प्रेटी एक्साइटेड फॉर इट. बहुत दिन से वेट कर रहे थे यार, मजा आएगा. बट अभी थोड़ा सा मजा किरकिरा हो चुका है बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रैफिक. गंदे ट्रैफिक में अटक गए हम लोग. देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं. सब प्रिकॉशंस इन्होंने लिए हुए हैं. टेम्परेचर चेक हो गया. मास्क इज कंपलसरी इनसाइड. अब देखते हैं पार्किंग कहाँ पे मिलती है. क्या पार्किंग बनाई है इन लोगों ने यार. ऐसे लग रहा है वो लोनावाला वाले टनल में आ गए. तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे. ऑलमोस्ट 1.5 hours नहीं शायद से 1 hour 45 minutes की जर्नी थी. बहुत गंदा ट्रैफिक था बट यस वी आर फाइनली हियर. अभी थोड़ा रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड वी विल गो इनसाइड. इतने बड़े लिफ्ट में हम लोग खाली 5 जन. हम 4 और वो दीदी है वहाँ पे. तो दीदी इतने बड़े लिफ्ट में आप क्या कर रहे हैं? पूरा दिन गरबा खेल रहे हैं. थैंक यू. तो इन लोग ने हम लोग को दिए है बैंड. ये अकॉर्डिंग टू आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से होता है. तो हमारा है ये येलो बैंड. हम लोग 2 to 5 के स्लॉट में आए हैं यहाँ पे. तो एवरीबडी हैज़ टू वेयर दिस वाइल यू आर इनसाइड द मॉल. तो भैया अभी हो रही है फाइनल वाली चेकिंग. लास्ट टाइम शायद से QR कोड स्कैन होगा, फिर आपका सिक्योरिटी चेक एंड हैंड सैनिटाइजेशन एंड ऑल. नाइस मैन. सिक्योरिटी के हिसाब से भी और अभी जो करंट पैंडेमिक सिचुएशन है उसके हिसाब से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट रखा है यहाँ पे. अप्रिशिएटेड. अगर आपको होम डेकोर करना है या फिर आपने जस्ट नया घर खरीदा है या फिर आपको रिनोवेट भी करना है आपका घर, तो भाई आई वुड सजेस्ट एक बार यहाँ आके विजिट कीजिए. यू विल गेट बेटर डील्स देन एनीवेयर एल्स
और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे आपके साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो, अपना साइज़ के अकॉर्डिंग आप आपका टेबल कस्टमाइज़ करके बिल्ड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके बजट में आराम से फिट हो जाएंगी और यहाँ पे आपको पसंद भी इजीली आ जाएंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी जो थोड़ी सी बजट के बाहर है, मतलब मुझे ऐसी लगी कि वो थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है, बट सब जगह पे होती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस इज सो गुड, वापिस एक बार आपको रिकमेंड करूँगा इधर आना।
such lovely doormat at 199 only. यहाँ पे फैब्रिक्स भी इन्होंने रखे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 69 रुपीज़ पर मीटर। तो आप लोगों को जो फैब्रिक चाहिए वो आप ले सकते हो। अब आए हम हमारे वाली एरिया में। ये पूरा मेरे पीछे है प्लांट सेक्शन, बट एक पंगा है, यहाँ पे सारे के सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं और हमें भैया पसंद है ओरिजिनल प्लांट्स। देखते हैं कुछ पसंद आता है क्या, बट दिख तो बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी दिख रहे हैं। फाइनली इतने सारे आर्टिफिशियल प्लांट देखने के बाद यहाँ पर मुझे ओरिजिनल प्लांट दिखे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे सकुलेंट्स भी है। हो गया पंगा, मैं यहाँ पे प्लांट्स देख रहा था और वापस ये सब लोग गायब। अभी ढूंढो इन लोगों को।
फाइनली मिल गए ये लोग मुझे, बहुत ज़्यादा आगे आ गए थे ये लोग, सो आई हैव टू स्किप बीच बीच का थोड़ा थोड़ा, बट अभी ये लोग मिल गए। क्या लिया तुम लोग ने? एवढा मोठा स्टँड ठेवणार कुठे? साइडला। अभी हम लोगों ने हमारी जो जो चीज़ें थी वो ले ली है। यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आप डायरेक्टली काउंटर से चीज़ें पिक नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आप ले सकते हो और आपके ट्रॉली में रख सकते हो, बट सभी चीज़ें आप नहीं ले सकते आपके ट्रॉली में। तो आपको एंड जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको वो सब चीज़ें कलेक्ट करनी है, जो जो रैक्स पे रखी हुई है वहाँ से आप ले सकते हो एंड में। मोमेंट्स लेटर, सो गाइस वी आर ऑलमोस्ट डन। इन लोग का थोड़ा सेग्रीगेशन चल रहा है, अभी करेंगे बिलिंग और बिलिंग के बाद में जाएंगे रेस्टोरेंट सेक्शन में। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप जब बिलिंग करने जाते हो तो उसके एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑफर ऑफ द डे का सेक्शन है। इन लोग को जो भी चीज़ें क्लियरेंस पे निकालनी है, जिनके एक या दो तीन चीज़ें ही उनके पास स्टॉक में है, वो कम प्राइस में ये लोग करके निकाल देते हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आए तो ऑफर ऑफ द डे सेक्शन को ज़रूर विजिट कीजिए, बहुत अच्छी डील मिल जाएगी यार। गया है, अब भी जा रहे हैं कुछ खाने। देर आर टू रेस्टोरेंट हियर, एक आपके जस्ट बिलिंग काउंटर के बाहर है और एक है फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे आप आराम से बैठ के खा सकते हो। यहाँ पे भी बैठने के लिए है, बट यहाँ पे आपको प्रीपेड ऑर्डर्स है और वहाँ पे आपको सब चीज़ें लेनी है और उसके बाद में आप पे करोगे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी वैराइटीज कम दिख रही है, मतलब समोसा है, पिज्ज़ा स्लाइस है ऑन, बट जो ऊपर वाला रेस्टोरेंट है वहाँ पे वैरायटीज बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जा रहे ऊपर वाले रेस्टोरेंट में। One eternity later. हम लोग निकल रहे हैं, ऊपर गए थे खाना खाने के लिए बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग ने टेक अवे ले लिया है। ऑन द गो जाते जाते खा लेंगे, बिकॉज ट्रैफिक आज के पहले निकलना है। ट्रैफिक तो पक्का मिलने ही वाला है, बट फिर भी ट्राई करेंगे कि कम से कम ट्रैफिक मिले। आई जस्ट होप आपको आज की IKEA की ट्रिप ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आपको मिलता हूँ मैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बाबा पैंचो।